यूपी के संभल में उस समय हड़कंप मच गया जब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में घायल एक पशु तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो वहीं एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जबकि घायल बदमाश के दो साथी फरार होने में कामयाब हो गए जिनकी तलाश जारी है। मामला संभल जिले के हयात नगर थाना क्षेत्र के ग्राम बबेना का है, जहां पुलिस और पशु तस्करों की वाहन चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। बता दें कि बोलेरो सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घायल मारूफ नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पकड़े गए बदमाश के दो अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कॉम्बिंग शुरू कर दी है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से बोलेरो गाड़ी, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। वहीं मुठभेड़ में पुलिस का एक कांस्टेबल राहुल भी बदमाशों की गोली से घायल हो गया। वहीं मामले में संभल के एसपी ने बताया कि मुठभेड़ में घायल बदमाश और कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल में थाना हयात नगर क्षेत्र में बवेना के पास पुलिस मुठभेड़ हुई है। ये एक बोलेरो में कुछ पशु तस्कर थे जो संभल की तरफ से आ रहे थे और इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें एक हमारा कांस्टेबल घायल हुआ है और ये एक अपराधी जो मारूफ है वो घायल हुआ है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके दो साथी मौके से फरार हो गए हैं, एक अरशद और फहीम। इनकी कॉम्बिंग की जा रही है, लगातार तलाश जारी है और वहाँ इनके पास से एक बोलेरो, एक तमंचा, कारतूस ये सब बरामद हुए हैं। बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।